केंद्र सरकार जल्द ही मौजूदा वक्फ एक्ट को संशोधन वाला एक नया बिल लेकर आ सकती है। सरकार मौजूदा वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन करने की तैयारी में है। नए बिल में वक्फ की किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने वाली शक्तियों पर रोक लगाई जा सकती है। 2 अगस्त को हुई कैबिनेट की बैठक में इस बिल को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई। प्रस्तावित बिल में मौजूदा एक्ट को कुछ क्लॉज को हटाया भी जा सकता है। संसद का मानसून सत्र अभी 12 अगस्त तक चलना है। बता दें कि ड्राफ्ट बिल में ये बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। किसी भी जमीन की वक्त भी घोषित करने से पहले उसका वेरिफिकेशन करना जरूरी हो जाएगा। नए बिल के ड्राफ्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड को पुनर्गठित, बोर्ड की संरचना में बदलाव की संभावना है। वक्फ अधिनियम की धारा 9 और धारा 14 में भी बदलाव किया जाएगा, जिससे केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव किया जा सकेगा। बिल में राज्य वक्फ बोर्ड के स्वामित्व वाला विवादित जमीनों को नए सिरे से सत्यापन कराने का भी प्रस्ताव है। दुरुपयोग को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को वक्फ संपत्तियों की निगरानी में शामिल किया जा सकता है। नए बिल से वक्फ बोर्ड पर क्या कोई प्रभाव पड़ेंगे? वक्फ बोर्ड देश में रेलवे और सशस्त्र बलों के बाद तीसरा सबसे ज्यादा जमीनी पर मालिकाना हक रखने वाली संस्था है। नए संशोधनों के बाद किसी भी जमीन पर दावे से पहले उसका वेरिफिकेशन करना होगा। इससे बोर्ड की जवाबदेही बढ़ेगी और मनमानी पर रोक लगेगी। तो दूसरी ओर बोर्ड के पुनर्गठन से बोर्ड में सभी वर्गों समेत महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी। मुस्लिम बुद्धिजीवी महिलाएं और शिया और बहरा जैसे समूह लंबे समय से मौजूदा कानून में बदलाव की मांग कर रहे हैं।